तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए ब्लॉग में। और आज भाई साहब सीन कुछ ऐसा हो गया है कि मेरे को भी नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि बड़े भाई साहब का फोन आया है कि हमारे को घूमने चलना है। उन्होंने मेरे को सस्पेंस रख दिया है कि कहाँ चलना है, उन्होंने बताया नहीं है। तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। वो आएंगे 11:30 बजे तक, तो 11:30 बजे उनके साथ चलेंगे। एक बार पहले भी प्लान बनाया था, तब उन्होंने हमारे को रणथंभौर की यात्रा करवाई थी, वो भी केवल चैट बॉक्स में, मतलब व्हाट्सएप पे। तो अभी अपने पास खूब टाइम है, अभी तो 9 ही बजे हैं, 2.5 घंटे बाद भाई साहब आएंगे, तो 2.5 घंटे में चार्ज वार्ज हो जाएंगे सब कुछ। देखो आप क्या चार्जिंग में लग रहा है सब कुछ। ये देखो भाई माइक, ये दोनों चार्जिंग में लग रहे हैं, इधर लैपटॉप चार्जिंग में लग रहा है, इधर ये वाला माइक चार्जिंग में लग रहा है, इधर DJI ओसमो पॉकेट 2 चार्जिंग में लग रहा है, ये कैमरा ऐसे ही रखा है, इसको भी चार्जिंग में लगाना है, इसको भी चार्जिंग में लगाते हैं, सारी चीज़ें चार्ज करके और फिर चलेंगे। भैया विवेक भाई आ चुके हैं, इन्होंने हमारे को अभी तक बताया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, सस्पेंस बरकरार है। ये देखो ये बैठे हैं आप, सस्पेंस ही रखेंगे। और ये मेरे को लगता है जयपुर जाने के बाद ही पता लगेगा हम कहाँ जा रहे हैं। ये वहां पहुंच के ही पता चलेगा कहाँ पहुंचे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पहुंच के ही पता लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, सस्पेंस बरकरार है। वीडियो में आप देखो कि हम कहाँ पहुंचे, हमारे को भी नहीं पता। सामान उठाओ अपना, सामान अपना पैक हो गया है, सामान उठाओ और चलो चलो। निकू दीदी किताबें हैं इसमें, बहुत ज्यादा सामान वजन हो गया है इसमें, रखो इसको गाड़ी में। लोग सोची यार तो ये देखो भाई साहब, मेरे को लगता है कम से कम 10-15 दिन का टूर होने वाला है। गाड़ी पूरी भर चुकी है, सारा सामान निकू दीदी का है। अगल आदमी को कोई इलाज चाहिए मेरी गलती है। और यार तू रिकॉर्ड कर ले जाएगी ये सब चीज़ें। हम पहुंच चुके हैं जयपुर और अभी तक सस्पेंस बरकरार है, किसी को पता नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, केवल जो भाई साहब हमारे को लेके जा रहे हैं उन्हीं को ही पता है कहाँ लेके जा रहे हैं। निकू दीदी पूछ रही है पीछे बैठी बिटी कि आप लोग जा कहाँ रहे हो तो बताओ, कोई पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ चलते हैं, जहाँ पहुंचेंगे वहाँ चल के बता। अच्छी जगह जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। निकू दीदी का सामान अपन ने यहाँ उतार दिया है, ये सारा सामान इन्हीं का ही है, गाड़ी खाली हो चुकी है। देखो सारी डेस्टिनेशन हमने चेक कर लिए हैं, चित्तौड़गढ़ हम जाए, उदयपुर हम जाए, माउंट आबू हम जाए। ये देखो 347 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से, आज हमने पूरा राजस्थान घूम लिया है भाई साहब। आज भाभी जी का जन्मदिन है और भैया बिल्कुल सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए जा रहे हैं, उनको केक लेने के लिए गए हैं और वो सरप्राइज गिफ्ट देंगे। हमारे को पता नहीं भाई साहब जन्मदिन था, तो हमने कोई प्लान नहीं किया ना हम कोई गिफ्ट लेके आए हैं। गिफ्ट होने वाला है खतरनाक वाला भाभी जी के लिए, ये फ्लावर शॉप है, फ्लावर शॉप से भाई साहब ने गिफ्ट ले लिया होगा कोई ना कोई, और वो गए हैं केक लेने के लिए, शायद केक लेके आते होंगे। क्या हुआ? फ्लावर जी इसके पास गिफ्ट नहीं है? गिफ्ट नहीं है। अच्छा तो आसपास में कोई दुकान हो आगे? इसने तो मना कर दिया। क्या बोला? बोले यहाँ पे गिफ्ट की तो पता नहीं। अच्छा देख लो ना आगे। चलो बैठो आप। सब चोर की तरह जा रहे हैं, सही बंद नहीं हो गया क्या? फिर एक्शन रिकॉर्ड कराएंगे तुम्हारी मर्जी है। जवाब ये देखो भाई साहब घंटी बजा दी इन्होंने, बिल्कुल सरप्राइज देने के कगार पे हैं। बस तो बज रही है, बज रही है, सांता क्लॉज बना दिया यार। अंदर लॉक लग रहा है इसमें भाई साहब, इस पर तो लॉक लग रहा है। ये देखो सारा प्लान फेल हो गया भाई साहब। अभी जब खरीदा तो अभी जब लिया इन्होंने तो कहाँ गया? अपने को तो उधर छुपना पड़ेगा, ऐसा पीछे गाड़ी तो बाहर खड़ी है अपनी, सारा प्लान फेल हो गया, इन उल्टा हो गया है भाई साहब। सरप्राइज जो देने वाले थे वो सरप्राइज तो इन्होंने खुद ही फोन करके बता दिया कि हम जयपुर आ गए, अब हम जा रहे हैं कहीं कोई रेस्टोरेंट में। नहीं तो यार घर पे आके भी नहीं बताएंगे क्या, इतना भी क्या सरप्राइज होता है? ऑब्वियसली नाश्ता वास्ता करके आते हैं इतनी देर में, नाश्ता मतलब चाय कॉफी करके आते हैं इतनी देर में, भाभी आ जाएंगे तो फिर बाद में आकर के हम सरप्राइज देंगे, वो भी सरप्राइज ही होगा। और ये भाई साहब हमारे को नाम पूछ रहे हैं, हमारे को नाम नाम कोई पता नहीं है, पहली बार सुने ऐसे इतना चाय के नाम हमने। पहली बार सुना है बिना मिल्क की भी कॉफी बन सकती है। अरे वो पाउडर वाला होता है ना उसकी अलग बनती है, ये अपने घर पे बनाते हैं वैसे वाली कॉफी है ये। अच्छा पाउडर वाली मत देना। अच्छा अच्छा मिल्क ही देना। तो चाय कॉफी के बाद अपन चल रहे हैं घर की तरफ,
क्या दोबारा सरप्राइज देने के लिए? अब पहला सरप्राइज का पॉपट हो गया। शाम का वक्त हो गया 6:22, अभी हम आनंद ले रहे हैं जयपुर में। नमस्ते भाभी, हैप्पी बर्थडे भाभी। कैमरा कैमरा लेके कहाँ जा रहे हो? आपके पास ही आए हैं। अच्छा, मुझे भी सिखाना। भोजन करने के लिए रुके हैं सब। भोजन अपन ने कर लिया और अपन जा रहे हैं। अब ढाबा भी बंद हो गया है, भोजन अपना कंप्लीट है। भैया लॉक हो गया। सही टाइम पे कर लिया अपन ने भोजन, बस अब ये क्लोज हो गया है। गेट खुलेगा यार? नहीं खुल जाएगा। तो भाई आएगा तो भैया हम पहुंच चुके हैं फाइनली सवाई माधोपुर। सारा सस्पेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये होटल है एक, इसमें आज का स्टे होने वाला है। सुबह चलेंगे यहाँ से, सुबह 6:30 सफारी शुरू होती है। सुबह मिलते हैं यहाँ के जंगल के राजा शेर से, अगर मिलते हैं तो वो हमसे मिलेंगे, तो हम जरूर मिलेंगे उनसे। तो सुबह मिलेंगे आपसे, अभी तो रात का लगभग टाइम हो गया। कितना? 1:45 के लगभग हो गया। आ जाओ। असली होता है, कल मिलेगा अगर नसीब अच्छे हो तो। बोलो रूम नंबर। बोलो, मुझे नहीं पता। ये है 106 नंबर और वो है 105 नंबर उधर। तीन कुछ ऐसा हो गया कि आज का पूरा दिन जो है हमारा ट्रिप में निकल गया। लगभग सुबह से हम बिल्कुल ट्रिप में ही हैं और अब हम पहुंचे हैं सवाई माधोपुर। सस्पेंस हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि सुबह से तो हमारे को यही सस्पेंस था कि हम जा कहाँ रहे हैं। सुबह हमारे को जल्दी निकलना है, तो हम सुबह उठेंगे 5:00। 5:00 उठ करके और फिर सफारी के लिए लाइन में लगना है। वहाँ लाइन में लगेंगे अपन। ये शानदार वाला बेड लगा हुआ है यहाँ पे, वो टीवी लगा हुआ है, लाइट बाथ। क्या लग रहा है आपको, कहाँ घूमेंगे अपन? सस्पेंस खत्म हो गया। कहाँ घूमेंगे? सफारी तो जा रहे हैं अभी अपन सुबह, मतलब अभी तो करते हैं आराम। क्या टाइम हो गया? वो 12:59 हो चुके हैं, तो 1:00 सोया हुआ आदमी 5:00 उठ सकता है? 4 घंटे की नींद होगी। कल मिलते हैं सुबह जल्दी, अभी तो करते हैं बाय बाय।